स्लाइस कौन सा डाल रहे हैं जी? जी स्लाइस है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? तो आज मैं पहुंचे हैं माल्टन एम ब्लॉक एक्सटेंशन। यहाँ पे बहुत ही फेमस जोन सा है पिज़्ज़ा के नाम से शॉप है पिज़्ज़ा स्लाइस। यहाँ का मैंने सुना है कि बहुत ही मज़ेदार बर्गर जो है इनका ये उनसे सर्व कर रहे हैं, और बेक टाइप का कुछ तरह का बर्गर है। मुझे किसी दोस्त ने बताया, उसने कहा यार वहाँ पे जाकर ट्राई करो। तो मैंने कहा यार ट्राई करना है तो साथ में जो सा है क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि इसमें जो सा है क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं, किस तरह से है। क्योंकि इतना मैं बहुत ही जो सा एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पे इतना मज़ेदार बेक बर्गर, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है बेक बर्गर। तो टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे इसका कैसा टेस्ट है। तो चलते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा स्लाइस के अंदर और देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, तो आपको भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के लेके आते रहें। तो चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें मिल सकता है खाने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम भजन, के हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं भजन? आपका गुड नेम? मेरा नाम अली है। अली भाई, अली भाई क्या हाल चाल है आपके? अली भाई मैं बड़ा सुन के आया हूँ यहाँ पे, पहुँचा हूँ पूछते पूछाते अपना पिज़्ज़ा स्लाइस का। मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि आपको बर्गर बनाते हैं, कोई बेक टाइप का कोई, वो बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर है, क्या है वो? जी हमारा स्लाइस बर्गर है, बेक स्लाइस बर्गर। बेक स्लाइस बर्गर है आपका? हाँ, वो ओवन में बनता है उसका, यानी कि कम्प्लीटली बेक बर्गर है वो, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी रिच टेस्ट है उसका। और यानी ये कह लें कस्टमाइज बर्गर है जो कि नॉर्मल बर्गर से हट कर है थोड़ा। अच्छा, आपको क्या कहते हैं ऑलिव्स डलते हैं उसके अंदर। क्या प्राइस क्या है इसकी? उस बर्गर की प्राइस 450 है। 450 रुपीज़ है जी, लेकिन 450 इसलिए है कि उसमें जो चीज़ें डलती हैं वो चीज़ें उसको जस्टिफाई भी करती हैं। अच्छा, लाइक मशरूम्स हैं, ऑलिव्स है, चिकन है, चैटर्ड है, मोज़रेला है, चीज़ स्लाइस है, बहुत डिफरेंट सॉसेज हैं हमारी, हमारी एक रेसिपी है खास। चलें आपका बर्गर हम ट्राई करते हैं, फिर अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि आपका जो सा वो बर्गर कैसा है। तो इसके अलावा आप क्या क्या बना रहे हैं? मुझे पता चला कुछ आप कुछ स्पेशल भी कुछ बना रहे हैं, कुछ अपना कस्टमर की चॉइस बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये फास्ट फूड इस तरह का फास्ट फूड है हमारे पास जो हम कस्टमाइज कर सकें। मेरे पास पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा हमारा काफ़ी स्पेशल है और हम टोटली कस्टमाइज बनाते हैं कि क्लाइंट्स क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली मेन्यूज चल रहे हैं या फ्लेवर्स चल रहे हैं वो तो हर जगह ही चल रहे हैं। सही, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को ऑप्शन देते हैं, क्योंकि हमारा लाइव किचन है, हम ऑप्शन देते हैं कि यार आप इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज तरीके से जो है ना बनवा सकते हैं, खा सकते हैं, जो आपका दिल कर। ठीक हो गया, फिक्स फ्लेवर नहीं है हमारा। चलें अभी हम आपका जो सा है बर्गर ट्राई करते हैं और इसके बाद आपकी बाकी प्रोडक्ट्स भी हम ट्राई करेंगे और अपने व्यूवर्स से बताएंगे कि उनका टेस्ट कैसा है। तो हमारे साथ रहिए दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिए। तो हम चलते हैं अपने बर्गर की तरफ, किस तरह से तैयार कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जो हैं शामिल हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स हम ये पिज़्ज़ा स्लाइस के जो है किचन में हैं इस वक्त, आपको किचन दिखाते हैं किस तरह से जो है नीट एंड क्लीन मुझे तो बहुत नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन है। और ये यहाँ पे शायद पिज़्ज़े की कोई तैयारी, शरीर की तैयारी क्या बना रहे हैं जी? पिज़्ज़े का चिकन तैयार हो रहा है। पिज़्ज़े का चिकन तैयार हो रहा है जी। जी सही हो गया। ये जी बेकिंग मशीन है आपकी? ओवन है आपका? ये पिज़्ज़ा पैन्स वगैरह आपने रखे हुए अंदर? ये पिज़्ज़े पैन है सर, ये ऊपर पिज़्ज़े के बॉक्स पड़े हैं, बॉक्सेस हैं, ये फ्रिज पर ये डो हम ताज़ा लगाते हैं, डो इसमें लगी होती है। ये मेक है, इसमें चिकन चिकन वगैरह वेजिस वगैरह फ्रिज की तरह है, इसमें फ्रिज ही है। ठीक हो गया। ये देखें यार किचन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन है, बिल्कुल लाइव किचन है इनका। मैं आप खुद भी देख सकते हैं कि आपकी चीज़ जो उनसे आपने ऑर्डर दिया तो वो किस तरह से जो उनसे वो तैयार हो रहा है, आप खुद भी बाहर से इसको देख सकते हैं। तो इनका जो उनसे हम बगैर ट्राई करते हैं और देखते हैं, आपको बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है और आपको भी दिखाते हैं किस तरह से ये बर्गर को तैयार करें, बेक बर्गर जो उनसे।
बेक कर रहे हैं चिकन, ये पिज्जे के लिए जी, पिज्जा के लिए। ये स्लाइस बर्गर है जी आपका? जी सर। अच्छा इसमें क्या डाल रहे हैं ये? इसपे मायोनेज। जी ये ऑलिव्स हैं, और ये क्या चीज़ है भैया? मशरूम्स है। मशरूम्स हैं। चिकन है, चीज़ है। चिकन है, चीज़ है। इसमें चिकन भी आएगा। इसमें मिक्स वेज भी आएगी। इसमें मुताबिक इसमें ऑलिव्स जाएंगे, उसमें मशरूम जाएंगे। अच्छा जी इसमें एलोविन हो जाएगी। ये बेकिंग टाइम कितना है जी आपका इसको बेक करने में? 7 मिनट में बेक होगा ये। ये एक स्लाइस कौन सा डाल रहे हैं जी? चीज स्लाइस है। चीज स्लाइस है जी सर। तो ये सॉसेज अब आप डाल रहे हैं इसके अंदर? जी जी सर। ये स्पेशल सॉसेज हैं जो के और यहाँ पे इनको डाला जा रहा है, और ये बेक बर्गर है और आपको ये लाहौर में इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो उनसे ये आपको स्लाइस बर्गर स्लाइस पिज्ज़ा जो उनसे ये पिज़्ज़ा स्लाइस पे आपको अवेलेबल होगा। आपको टेस्ट करते हैं और इसका बताते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है, इसके बारे में फिर आपको रिव्यू देते हैं। मैं कोई बात नहीं, हमारा बर्गर जो है ये रेडी होके आ गया है, इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं इसका कैसा टेस्ट है। सो फ्रेंड्स अभी मैं इसको ट्राई करने लगा हूँ, ये स्लाइस बर्गर इन्होंने स्लाइस दिया हुआ है लेकिन ये है तो बेक बर्गर, तो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं इसका कैसा टेस्ट है। बहुत मज़ेदार है। आपने बहुत सारे बर्गर खाए होंगे लेकिन आपने ऐसा बर्गर नहीं खाया होगा इससे पहले, तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड है आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके इसको टेस्ट करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मैं इसमें जो चीज़ें हैं इस तरह के बर्गर अगर आप कहीं भी चले जाएँ मैकडोनल्ड या कहीं भी अवर तो आपको मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये 2000 से नीचे का बर्गर नहीं है, इतना मज़ेदार बर्गर है। तो आपको जो है मज़ीद से दिखाते हैं कि इनमें जो है यहाँ पे क्या क्या खाने को अवेलेबल है, तो साथ में इंटरनेट पे मार्केट का थोड़ा सा विजिट भी करवाते हैं जिस मॉल्टॉन में है। सो फ्रेंड्स मैंने बर्गर खाया, मुझे मज़ा आ गया। आप आएँ यहाँ पे आके बर्गर खाएँ, ऐसा स्ट्रीट फूड बर्गर आपने पहले कभी नहीं खाया, ग्रिल बर्गर या दूसरे बर्गर आपने बहुत खाए होंगे, अंडा शामी बर्गर ये वो, लेकिन
ये बेग बर्गर जो उनसे है आउटस्टैंडिंग, बहुत ही मजेदार है। आप यहाँ पे आए पिज्जा स्लाइस पे आके इसको टेस्ट करें और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है। तो हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे एक नई जगह के ऊपर। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा।